सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो रही शुरुआत सुबह सुबह गर्म पानी से। सो के अभी जैसे उठे हैं, फ्रेश हो गया है, खुल लग गया है और अभी गर्म पानी पी रहे हैं, इससे भी पेट तो खून साफ रहे। इसका तो उठने के साथ ही नाश्ता करना होता है, खाली मुंह साफ करो। मुंह भी नहीं साफ करता, कई कबार तो ऐसे ही खा लेता है ना। देख चूतिया बता रहा अपने आप। अभी पहले गर्म पानी पीते हैं, फिर कमरे की सफाई भी करनी है क्योंकि लेट उठे हैं तो खुद ही करनी पड़ेगी। फिर कमरे की सफाई करते हैं और फिर मैं आपको मिलता हूँ। क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अभी तो बता रहा था कुछ। अच्छा, ये बात है, बहुत बढ़िया। इसको दबा दिया, इसके बाद इस पर क्लिक कर दिया, यही सफेद सफेद सा रहता है। तो अभी गाइस तुम्हारे को मैं कमरा साफ करके और फिर आगे के सीन देखते हैं क्या होते हैं। पहले नहाते हैं, धोते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज के सीन्स में आपको मैंने 30 दिन का रेगुलर ब्लॉग का चैलेंज टारगेट मैंने अपने आप पर लिया है, कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ देखते हैं। आपको वही दिखेगा जो मैं रोज करता हूँ दिन में, मतलब कि लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग और थोड़ा अगर ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करते हुए आपको आगे मिलते हैं। तो गाइस कर दिया है कमरा पूरा साफ, अभी जबकि पानी लगा रहा हूँ गर्म नहाने के लिए। और कमरा तो मैंने कर दिया पूरा क्लीन, झाड़ू पोछा कर दिया है। पापा ने तो पहले ही कर दिया था झाड़ू पोछा, लेकिन मैंने दोबारा कर दिया, मेरे को लगा कि गंदा हुआ पड़ा है तो मैं दोबारा लगा दिया कमरा के लिए मैं। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले पानी ही लगाते हैं फिर नहाते हैं और फिर आगे के सीन देखते हैं। रिमोट ख़राब हो गया था LED का, तो अभी रिमोट लेने आए थे। कैसे करूँ, हाँ चाबी लगाते हैं और घर की ओर चलते हैं। आज तो दोपहर ही मैं बैट बॉल बजाया, फिर अम्मा गुस्सा हो गई, अम्मा ने हमारा सारा काम जाम आगे रख दिया। तो गाइस हम आ चुके थे घर पे और अपना रिमोट लेके जो कि हम गए थे लेने अपने रोड पे, और फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, चाय वाय पी मजे से और मैंने पूजा पाठ बहन कर डन, पूजा करके बैठ चुके हैं। अभी LED देख रहा था चला के, कुछ समझ में नहीं आया क्या चलाएं, कैसे टाइम पास करें। टाइम पास तो हो ही रहा है, और नसीब भाई है नहीं अपने यहाँ पे, वो अपने गांव गए हैं किसी की होती बरसी, तो अपने दादा की बरसी में गए हैं और देखते हैं अब रात को कैसे होता है। छोटे भाई भी पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, वो भी कम ही आते हैं ठंड में, क्योंकि मैं भी पहले बीच में कम निकलता था, अब वो कम निकलने लग गया, मैं सोचता वो आएगा वो नहीं आएगा, देखते हैं आगे कैसे इंच क्या होते हैं। और कल का आप लोग इंटरेस्टिंग आने वाला, एक जगह जाएंगे फिर आप वो आपको मैं दिखाऊंगा जाके। और यहाँ तक देख लो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट सब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।